यातायात विभाग के तत्वावधान में यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के सभागार में किया गया, जिसमें स्कूल के छात्रों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। इस मौके पर उपस्थित छात्रों को ट्रैफिक रूल्स की जानकारी देते हुए SP ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा, TSI जगनारायण और स्कूल के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि बाइक चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल अवश्य करें, 4-व्हीलर चलाते समय सीट बेल्ट लगाएं, ड्राइविंग लाइसेंस साथ में लेकर चलें, दुर्घटना से बचने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन अवश्य करें। उन्होंने बताया कि अगर किसी भी व्यक्ति की दुर्घटना होती है तो उसके परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। इस दौरान कुछ छात्रों ने भी यातायात के नियमों की लापरवाही पर होने वाले दुर्घटना पर अपने विचार व्यक्त किए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने बताया। वाहन चलाते समय बात न करें, 4-व्हीलर गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट अवश्य लगाकर चले। सीट बेल्ट का महत्व है कि जब आप गाड़ी में बैठे होते हैं सीट बेल्ट लगाते हैं, किसी कारणवश आपकी गाड़ी पे टक्कर होता है तो सीट बेल्ट का काम है आपके शरीर को पूरे बांध लेता है और इधर उधर भागने नहीं देता। दूसरी बात कि एयर फोन लगा होता है, एयरबैग लगा होता है, जिसके कारण जो ड्राइवर के सीने में आके खून के चिपक जाता है, ड्राइवर और अन्य बगल में बैठे वाले व्यक्ति के चोट नहीं लगता, बच जाते हैं, इसलिए उसकी उपयोगिता है। कई यात्रा डम मोड है, ब्लाइंड मोड है, आप तेजी से गाड़ी चला के जाते हैं, अपने गाड़ी को धीमी करके इंडिकेटर दे करके हॉर्न बजाइए ताकि आने वाला व्यक्ति समझ जाए कि कोई व्यक्ति आ रहा है। दुर्घटना की जो है वहाँ का लेते हैं, ऐसा क्यों करते हुए अधिकार करते हैं, यहाँ लग जाएगा हजाम लग जाएगा। इस रोड पर सभी लोग को चल रहा है, बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं, बच्चे भी हैं, शिक्षक हैं, सब लोग चलते हैं, बच्चे चलते हैं, बच्चे चलते हैं, सभी विधान के आप लोगों के दर्श हो जाता है। उसके परिवार के ऊपर क्या बीतता है यह हमें सोचना चाहिए, ये दिखते आते हैं सामने। दूसरा चीज़ ये होता है उस व्यक्ति के जीवन में ऐसी ऐसी विषम परिस्थितियाँ सामने आ जाती है जिससे वो जूझने में असक्षम महसूस करता है अपने आप को। तीसरी चीज़ जहाँ तक हमारी सोच है, मैं यही जानता हूँ कि यदि कोई भी व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है किसी की वजह से, या रोड एक्सीडेंट हो या ट्रेन एक्सीडेंट हो, तो अपनी असावधानियों की वजह से ही दुर्घटनाग्रस्त होता है। तो हमें असावधान होकर के नहीं चलना चाहिए, हमें हमेशा रोड की नियमों का पालन करना चाहिए। अगर बड़े हो और दोनों पैर टूट गए हैं तो आपको चारपाई में लेटे लेटे ही टॉयलेट संपन्न करना है। एक आदमी आपको लाद के लेके जा रहा है, अस्पताल तक लेके जा रहे हैं, आपको उसका एहसान भी मानना पड़ रहा है। जिससे आप कभी एहसान नहीं लेना चाहते आपको उसका एहसान लेना पड़ेगा। और आपकी आर्थिक गतिविधि रुक गई, अगर आप नौकरी में हैं आपको दोनों पैर टूट गए, तो जो अगर प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो प्राइवेट नौकरी वाला आपको पैसे तो नहीं दे रहे जितने दिन आप काम कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बचाव के लिए ही यातायात के नियमों का बनाया गया है, यातायात के विषय में लोगों को चेतावनी दी जाती है, और इसीलिए ही हम लोग यहाँ पे आए कि दुर्घटना से होने वाले कष्टों से आप और आपका परिवार मुक्त रहे। क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है, गर्मी में चले जा रहे हो, नए लड़के हो, मोटरसाइकिल माता पिता ने दे दिया, चले जा रहे हैं, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जब हाथ पैर टूट जाएगा तो माता पिता झेलते घूमे क्यों भाई, बताइए इसमें कितने लोग मोटरसाइकिल से आए, जरा कितने लोग को बताओ, नहीं तो मैं सभी मोटरसाइकिल उठवा लूंगा, कितनी बताओ, कितने लोग मोटरसाइकिल से आए हैं, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, कोई शर्म की बात नहीं है, तो बड़प्पन की बात है, आपके पास पैसा है मोटरसाइकिल चलते हो, हाथ उठाइए, वो उठाइएगा और मैं सबकी लाइन बनवा के ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दूंगा, ठीक है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस कोई गाड़ी नहीं चलाएगा। और गाड़ी अगर ड्राइविंग लाइसेंस हो, गाड़ी चलाओगे तो हेलमेट पहन के चलोगे, हेलमेट में मैं 10% की कंसेशन दिलवा दूंगा, ठीक है। आपको हेलमेट भी सस्ता मिल जाएगा। उसके बाद जो आप लोग चलते हो, मैंने भी मोटरसाइकिल चला,
चलाइए ना, जानता हूँ क्या क्या खुरापात कर सकते हो। फिर उसके बाद तीन सवारी चलोगे, है ना भाई, कक्षा में है तो तीन परिचित भी हैं, अरे यार हुमायूंपुर तक जा रहे हो, हमको बैठाओ साथ में, तो तीन सवारी भी लाके चलोगे, तो ये तीन सवारियाँ चलना। जब आपके साथ दुर्घटना होती है तो केवल आप दुर्घटनाग्रस्त नहीं होते हैं अपनी गलती के नाते, सड़क पर का चलने वाला, पैदल चलने वाला निर्दोष व्यक्ति भी वह भी उस प्रभाव में आ जाता है, वह भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। और सोचिए कि जब आप में से कोई दुर्घटनाग्रस्त हो उसके माता पिता पर क्या बीतेगी। सबसे अधिक बचाना होता है दुर्घटना में सिर, अगर आपका सिर सुरक्षित बच गया, ब्रेन इंजरी नहीं हुई, तो डॉक्टर आपको बचा लेंगे भले ही आपके पैर की हड्डियां टूट गई हों। मैंने देखा है लोगों को 6-6 महीने बिस्तर पर पड़े हुए जिनका पैर टूटा है, कुछ तो ऐसे थे कि जो उठे ही नहीं बिस्तर पर से, वही सारा टॉयलेट सब होता रहा और अंत में उसी बिस्तर पर मर गए हैं, क्योंकि उनके साथ जो दुर्घटना हुई वो उम्र दराज लोग थे। बच्चों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए यातायात पुलिस का प्रयास है और बच्चों ने इसको भली बात समझा है और बच्चे इसका अनुकरण करेंगे और सुरक्षात्मक जितने भी उपकरण हैं उनको धारण करके ये अपने वाहनों को चलाएंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और बच्चों को हम लोगों ने ब्रीफ किया है जी, बच्चों से आपस में हमने इंटरेक्शन किया है और सभी बच्चे जो है रिस्पॉन्सिबल हैं, ये उसका प्रॉपर जवाब दे रहे हैं और ये समझ भी रहे हैं कि हमारा क्या कहने का उद्देश्य क्या है। और इनके प्रधानाचार्य महोदय द्वारा भी जो बातें कही गई हैं वास्तव में बहुत उनकी बच्चों के प्रति चिंता को दर्शाता है और हम समझते हैं कि बच्चे उनकी बातों को भी ध्यान में लेकर यातायात के नियमों एवं उपकरणों को धारण करेंगे।